ऑल ब्यूटीज, वेलकम टू योर मेकअप चैनल। नोज पर मेकअप करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, खासकर गर्मियों में, क्योंकि नोज पर जो है फाउंडेशन नहीं टिक पाता है। बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आई है मुझे कि नोज पर मेकअप नहीं टिकता है, प्लीज इसके लिए कुछ बताइए। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही क्लियर करने वाली हूँ स्टेप बाय स्टेप कि कैसे आप जो है नोज पर मेकअप अप्लाई कर सकते हैं। ये वीडियो एक इतनी इंफॉर्मेशनल वीडियो है कि इससे जो कॉम्बिनेशन स्किन की जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आप लोगों से बताना चाहती हूँ और करना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग मेरे चैनल पर आते हैं, मेरी वीडियोस देखते हैं, लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सिर्फ 18% लोग हैं जो सिर्फ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, आते हैं, देखते हैं, बाकी के 87% जो है वो नहीं करते हैं। गाइज, इट्स रियली हर्ट, मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करके वीडियोज बनाती हूँ जो कोई भी आप लोगों को मेकअप आर्टिस्ट नहीं बताते हैं, वो सारी चीजें वन बाय वन एक्सप्लेन करती हूँ यहाँ पर, स्टेप बाय स्टेप आप लोगों के लिए लेके आती हूँ बहुत सारी चीजें, बहुत इंफॉर्मेशनल वीडियोस बनाती हूँ। सो प्लीज मेरे मोटिवेशन के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए ज्यादा से ज्यादा, और Q&A वगैरह जो भी होते हैं उनमें प्लीज पार्ट लीजिए। बहुत जल्द लाइव सेशन स्टार्ट करने वाली हूँ, आपको कम्युनिटी पोस्ट पर उस चीज का पता चल जाएगा। सो आप चाहते हैं कि मैं यूट्यूब पर बनी रहूं, आप लोगों के लिए वीडियोस लाती रहूं, सो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साइड में बेल आइकन होगा उसे जरूर प्रेस कर दीजिएगा, नहीं तो आप तक सारी नोटिफिकेशन यूट्यूब नहीं पहुंचा पाएगा। और थोड़ा डिफरेंट कंटेंट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर, दैट इज तन्वर अपर्णा। सो अब बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ऑलराइट, नोज पर मेकअप उतर जाना या नहीं लग पाना एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है सभी के लिए, चाहे आप पर्सनली अपना मेकअप कर रहे हो या मेकअप आर्टिस्ट हो या बिगनर हो। बहुत बार ऐसा होता है कि हम जब नोज पर मेकअप करते हैं तो वो निकल के आ जाता है। उसकी दो वजहें हो सकती हैं, या तो आपका जो क्लाइंट है या आपने अपने नोज पर ब्लैकहेड्स नहीं निकाले हैं। ब्लैकहेड्स निकालना बहुत ज़रूरी है, आपको एक प्रॉपर स्मूथ नोज चाहिए अपने मेकअप के लिए। जैसे आपको स्मूथ कैनवस चाहिए होता है, ऐसे ही प्रॉपर आपको फेस भी चाहिए एकदम स्मूथ, ताकि आपका जो बेस है वो अच्छा बने और वो निकल कर ना आए बार बार। ये बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम्स होती है जिनके फेस जो है फेस पर ब्लैक हेड्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो नहीं होती हैं क्योंकि लोग जो है प्रॉपर स्किन केयर नहीं करते हैं। सो प्रॉपर स्किन केयर करें, उसका ध्यान रखिए, उनको बताइए। जो ब्राइडल्स होती हैं स्पेशली जब वो आती हैं पार्लर में, जब आती हैं स्टूडियोज में, सो उनको जो है हमेशा फेशियल दिया जाता है, वो पहले इसीलिए दिया जाता है ताकि आपका जो फेस है वो रेडी हो सके, मेकअप के लिए एक कैनवस तैयार हो सके मेकअप आर्टिस्ट के लिए, ताकि वो आपके फेस को जो है और अच्छे से एनहेंस कर पाए। सो नोज पे से ब्लैक हेड्स होना, वाइट हेड्स होना बहुत निकालना बहुत ज़रूरी है। सो वो पहले निकालिए। सबसे पहले आप ब्लैक हेड्स निकालेंगे, वाइट हेड्स निकालेंगे, उसके बाद जो है नोज़ जो है वो थोड़ी सी जो है वो रेड हो जाती है, रेडनेस आ जाती है उसमें, जैसे अभी मेरी आ गई है, रेडनेस आ गई है नोज़ पे। सो उसके लिए आपको क्या करना है, आप इस तरीके के आइस पैक रख सकते हैं। ये आइस पैक रखना ईजी है, आप अपने सैलून में रख सकते हैं, आप छोटे छोटे फ्रिज होते हैं सैलून में, सब लोग रखते हैं। सो इस तरीके के आइस पैक रख लीजिए, डायरेक्ट आइस मत अप्लाई कीजिएगा किसी के भी फेस पर, आप इस तरीके के आइस पैक रख लीजिए। एंड जब आपने नोज पे से ब्लैक हेड्स निकाले हैं एंड आपकी नोज जो है वो बहुत बुरी तरीके से रेड हो गई है, रेडनेस आ गई है उस पर, सो आइस पैक यूज़ कीजिए, इस तरीके से नोज पर लगाइए ताकि जो रेडनेस है वो चली जाए और आपके जो पोर्स हैं नोज के जो पोर्स हैं जो ओपन हो गए वो श्रिंक होकर थोड़ा सा कम हो जाए। सो आप पूरे फेस पर ये पैक यूज़ कर सकते हैं, मैं पूरे फेस पर यूज़ करती हूँ मेकअप करने से पहले, स्पेशली गर्मियों में। सो इस तरीके से आप कर सकते हैं। ऑलराइट, पूरे फेस पर आइसिंग करने के बाद अब आपका जो फेस है वो कूल हो गया है, ठंडा हो गया है और पोर्स जो है वो श्रिंक हो जाते हैं। सो अब जो है आपकी नोज़ जो है वो बिल्कुल रेडी हो गई है, आपको इस तरीके की प्लेन नोज़ चाहिए मेकअप करने के लिए, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हमारा जो स्टेप आता है CTM में, क्योंकि मैं फेस क्लीन कर चुकी हूँ, नेक्स्ट स्टेप इज़ टोनर। टोनर आप जो है सभी टोनर जो हैं वो जो प्रोडक्ट है सॉरी जो वो आप यूज़ करेंगे वो ऑयली स्किन वालों के लिए यूज़ करेंगे, बिकॉज गर्मी है और गर्मियों में आपको स्वेटिंग होगी, पसीना आएगा, ऑयल रिलीज होगा फेस पे से। सो आपको जो है ऑयल वाले जो प्रोडक्ट्स हैं वो यूज़ करने हैं। ऑयली स्किन पर कैसे मेकअप करना है वो भी मैं आपको बता चुकी हूँ पहले भी वीडियोज़ में, यहाँ आई बटन पर मैं उनके
मैं लिंक्स दे दूंगी, सो वो जाकर देखिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। वीडियोस बहुत मेहनत से और बहुत अच्छी बनाई हुई है, तो वो ज़रूर देखिएगा। अब नेक्स्ट जो है वो टोनर की बारी है, तो मैं अब टोनर लगाने जा रही हूँ। टोनर जो है वो मैं काया का ले रही हूँ, एंड दिस इज़ फॉर ऑयली एंड कॉम्बिनेशन स्किन। मैंने कहा ऑयली स्किन वाले प्रोडक्ट्स यूज़ करने हैं, सो ये ऑयली और कॉम्बिनेशन स्किन के लिए है, और प्योरीफाइंग टोनर है, एक्ने फ्री जो है ये प्रोडक्ट है। ओके, टोनर के बाद जो है अब बारी आती है हमारे नेक्स्ट स्टेप की, दैट इज़ सीरम। आप इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपके फेस को हाइड्रेट रखता है, इसमें ऑयल नहीं होता है, सो सीरम जो है वो बेस्ट रहते हैं ऑयली स्किन के लिए। सो आप अगर ऑयल सीरम यूज़ कर रहे हैं तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। सो मैं यहाँ पे सीरम ले रही हूँ। ये जो सीरम है, दिस इज़ फ्रॉम बेयर ब्यूटी कोलेजन फेस सीरम। ये मैं काफ़ी यूज़ करती हूँ, मैंने अपनी काफ़ी वीडियोज़ में भी बताया है, और ये जो है आपको मिल जाएगा अमेज़ॉन पे और नायका पे अवेलेबल है। सो इस तरीके से मैं सीरम लगा रही हूँ। ऑलराइट, सीरम लगाने के बाद अब बारी आती है मॉइस्चराइजर की। मॉइस्चराइजर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, लेकिन यहाँ हम नोज पर मॉइस्चराइजर नहीं लगाएंगे, यहाँ हम मॉइस्चराइजर लगाएंगे फेस पर। जी हाँ, सिर्फ नोज का एरिया छोड़ देंगे। याद रखिए, सीरम आपको पूरे फेस पर लगाना है, लेकिन मॉइस्चराइजर आपको पूरे फेस पर नहीं लगाना है। और क्योंकि गर्मियाँ हैं, स्वेटिंग होती है, सो ऑयली स्किन के अकॉर्डिंगली यहाँ मैं ले रही हूँ ये जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर। दिस इज़ फ्रॉम हाइलुरोनिक एसिड, इट्स स्किन का ये प्रोडक्ट है, काफ़ी अच्छा है। सो इस तरीके के जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर जो है आप ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा वो आपको नोज पर नहीं लगाना है, आपको वो लगाना है सिर्फ अपने फेस पर। बेसिकली आपको टी पॉइंट पर नहीं लगाना है। बहुत थोड़ा सा ले रही हूं मैं, बिल्कुल जस्ट डॉट्स लिए हैं मैंने। अब आप देख ही रहे होंगे कि हमने पूरे फेस की हाइड्रेशन की है, मॉइस्चराइजर लगाया है, और फेस जो है वो बिल्कुल ओके लग रहा है। अब नेक्स्ट स्टेप जो हमारा आएगा वो होगा प्राइमर का। प्राइमर बहुत इंपॉर्टेंट है नोज पर लगाने के लिए। लाइक आप पूरे फेस पर जो है वो कोई भी प्राइमर लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ नोज पर आपको स्पेशली पोर फिलर प्राइमर्स लगाने हैं, जस्ट लाइक लोरियल बेस मैजिक है और NYX का पोर फिलर प्राइमर है। ये जो प्राइमर्स हैं ये आप ले सकते हैं, ईजिली जो है अवेलेबल है नायका पर, और आपको आई थिंक सो ये लोरियल बेस मैजिक तो आपको लाइक अमेजोन पर भी मिल जाएगा। सो ये इस तरीके के जो है वो प्राइमर आप यूज़ कर सकते हैं। दिस वन इज़ वेरी बेसिक प्राइमर, आपको ईजिली मार्केट में अवेलेबल है, काफ़ी अच्छा है। और मैं आपको बता दूं पर्सनली कि बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट ये प्राइमर यूज़ करते थे, बिकॉज दिस इज़ वेरी गुड प्राइमर, स्पेशली ऑयली स्किन वालों के लिए तो बहुत अच्छा है, और वो भी गर्मियों में आप लगा सकते हैं। इसकी कंसिस्टेंसी काफ़ी ठीक होती है, और आप देख रहे हैं काफ़ी ठीक है इसकी कंसिस्टेंसी। और अगर मैं इसको आपको दिखाऊं फिंगर पे, सो इस तरीके का कुछ मूस टाइप सा ये जो है प्राइमर होता है, ये देखिए मूस टाइप प्राइमर है ये, और आपका जो बेस है वो नोज़ पर से बिल्कुल नहीं हटेगा, और बहुत ही अच्छा प्राइमर है। सो इस तरीके के प्राइमर जो है आप यूज़ कर सकते हैं। मार्केट में बहुत सारे प्राइमर हैं, मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ यही अच्छा है, बहुत सारे अच्छे प्राइमर्स भी हैं, लेकिन ये एक लाइक कॉमन सा प्राइमर है जो आपको मिल जाएगा लोरियल बेस मैजिक का, और काफ़ी अच्छा है, इसलिए मैंने आपको ये वाला प्राइमर के बारे में बताया। सो यहाँ आपको नोज़ पर प्राइमर लगाना है, ये वाला प्राइमर लगाइए, लाइक पोर फिलर प्राइमर्स लगाइए, एंड आप देखेंगे कि आपकी जो नोज़ है ना, आपको जो है एकदम लिटरली जो है वो ड्राई लगने लगेगी, और प्राइमर को बहुत ज़्यादा आपको जो है वो फिंगर से खींच कर लाइक ड्रैग नहीं करना है, ठीक है, आपको बहुत आराम से प्राइमर लगाना है, लाइक इस तरह से आप इस तरह से लगाइए जैसे मैं फेस पर लगा रही हूँ, आप देखेंगे तो ये देखिए। मैं क्लोजअप दिखा देती हूँ आपको प्राइमर का भी, सो दैट आपको क्लियर हो जाए। ये देखिए, अगर आप देखेंगे तो इस टाइम मेरी नोज आपको ड्राई लग रही होगी, अगर आप ये एरिया देखेंगे हल्की हल्की शाइन होगी, जस्ट बिकॉज मैंने जो है वो मॉइस्चराइजर जो है वो मैंने लगा लिया है। सो ये देखिए,
ये अगर आप देखेंगे तो इस तरीके की इसकी कंसिस्टेंसी होती है, काफ़ी ठीक होती है, और मेरी नोज कुछ इस तरीके की लग रही है लगाने के बाद। और मैं आपको बता दूँ, बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट आई बेस के लिए भी जो है यही प्राइमर यूज़ करते हैं। मैं भी काफ़ी टाइम यूज़ करती हूँ क्लाइंट्स पर भी, सो आप ये यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप जो है वो है हमारा फाउंडेशन। अब हम फाउंडेशन लगाने वाले हैं। सो फाउंडेशन भी आपको जो है वो ऑयली स्किन वाले लेने हैं, और मैं यहाँ ले रही हूँ NYX का कॉन्सेप्ट वॉन्सअप फाउंडेशन। ऑयली स्किन के कैसे फाउंडेशन है मैंने उस पर भी वीडियो बनाई है, उसका भी आई बटन पर मैं लिंक दे दूँगी, और बहुत सारी वीडियो का लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मेरे फाउंडेशन के शेड्स जो हैं उनके रेफरेंसेस जो हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, सो मेक श्योर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करें। और अब जो है मैं ये फाउंडेशन लगाने जा रही हूँ, एंड माय शेड इज नेचुरल G07 नेचुरल। आई डोंट नो व्हाट हैपन विद दिस पंप, इसका पंप जो है वो काम नहीं कर रहा है, सो मैं अभी फिलहाल ये वाला फाउंडेशन नहीं लगा रही हूँ। आई एम टेकिंग दिस लॉरियल इन्फ्लेबल फाउंडेशन। दिस इज ऑल्सो वेरी गुड फाउंडेशन फॉर ऑयली स्किन, दिस इज माई वन ऑफ द फेवरेट। इसको मैं काफ़ी टाइम यूज़ कर चुकी हूँ, और दिस इज द शेड 105 नेचुरल बेज जो कि मेरा शेड है। सो दिस इज माई फेवरेट फाउंडेशन, मैं रियली बताऊँ तो आपको। ऑयली स्किन है मेरी और एकदम परफेक्ट शेड है, तो आपको जो है पूरे फेस पर डॉट डॉट करके अपना फाउंडेशन लगाना होता है। नोज पर भी आपको इसी तरह से लगाना है। नोज पर आपको फाउंडेशन लगाते टाइम उसको ड्रैग नहीं करना है बिल्कुल भी, आपको इस तरीके से उसको स्किन में पेनिट्रेट करना है, ऐसे अप्लाई करना है। अगर आप उसे इस तरीके से करेंगे, नोज को इस तरीके से खींचेंगे, तो ऑब्वियसली आपका जो फाउंडेशन है वो निकल के आ जाएगा, और जो कि काफ़ी बुरा लगेगा, जो कि आपकी मेन प्रॉब्लम है। सो आपको ऐसे ड्रैग बिल्कुल भी नहीं करना है। और एक गाइज, अगर आप देखेंगे तो इस वक्त जो है बेस पूरा अप्लाई हो चुका है। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज पाउडर, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको कोई भी प्रोडक्ट नोज पर ड्रैग नहीं करना है, खींच कर नहीं लगाना है। और जब भी आप नोज़ कॉन्टोर करेंगे उसमें ध्यान रखिएगा ब्रिसल्स का, जो आप जिसे नोज़ कॉन्टोर कर रहे हैं उसके ब्रिसल जो है बहुत सॉफ्ट होने चाहिए। सो अभी जो है मैं पहले पाउडर लगाने जा रही हूँ। सो पहले मैं पाउडर जो लगा रही हूँ वो लगा रही हूँ ये पैक का, दिस इज़ TL02, एंड उसके बाद जो है ऊपर से मैं जो है ये लगाती हूँ, दिस इज़ फ्रॉम फ्रूशिया, और ट्रांसलूसेंट फिक्सिंग पाउडर है ये नंबर 02। ये है एक तरीके से आप सोच लीजिए, ये एक इस तरीके का ये सेटिंग पाउडर है, और ये जो होता है बहुत सॉफ्ट होता है, लाइक एकदम आपका जो बेस है जब आप पाउडर पूरा कंप्लीट मेकअप कर लेते हैं उसके बाद जो है आप इसे टचअप दे सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे जो है वो टचअप पाउडर्स होते हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। ये आप अपने पर्स में रख सकते हैं, लाइक आप ऊपर से जब भी आपको स्वेटिंग हो तब आप यूज़ कर सकते हैं। सो अभी फ़िलहाल मैं सबसे पहले ये वाला पाउडर यूज़ करने जा रही हूँ पैक का TL02। सो सबसे पहले मैं नोज़ पर लगाऊंगी। सो उस नोज़ पर लगाने के लिए भी आपको जो है बहुत सॉफ्ट ब्रिसल्स वाला ब्रश चाहिए। अगर इसके ब्रिसल्स हार्श होंगे ब्रश के, सो आपका जो बेस है वो पाउडर नहीं लगाएगा बल्कि खींच कर आ जाएगा। सो इसको बिल्कुल हल्का सा पहले मैं पाउडर ले रही हूँ। सो गर्मियों में ज़्यादा लगा सकते हैं आप ऑफकोर्स, और नोज़ पर ही सबसे पहले हम अप्लाई करेंगे, एंड इसको खींच के इस तरीके से नहीं अप्लाई करना है, ऐसे ऐसे जस्ट डैप करते हुए हमें अप्लाई करना है इस तरह से। ऑल राइट, अब बारी आती है नोज़ कॉन्ट्रोल की। सो नोज़ कॉन्ट्रोल के लिए जैसे मैंने आपको बताया, जो ब्रश है उसके ब्रिसल जो है वो बहुत सॉफ्ट होने चाहिए। अगर ये ब्रिसल्स जो है हार्श हुए ब्रश के, सो आपका जो बेस है वो निकल कर आ जाएगा। सो ये ध्यान रखिए, आपको जो है बहुत थोड़ा सा पाउडर कॉन्ट्रोलिंग करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, जो कि न्यू कमर्स हैं, जो बिगनर्स हैं उनके लिए ज़्यादा बेस्ट रहेगा कि आप पाउडर प्रोडक्ट्स यूज़ करें। और इस तरीके से जो है अब मैं नोज़ कॉन्ट्रोल करने जा रही हूँ। और द नेक्स्ट स्टेप इज हाइलाइटर। सो हाइलाइटर भी आपको जो अप्लाई करना है वो अप्लाई करना है आपको ब्रश से। आप फिंगर से भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास अच्छा सा ब्रश होगा और बहुत सॉफ्ट होगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा।
देखिए यहाँ मेरे पास ये किसी कंपनी का तो ब्रश नहीं है, लेकिन इसके ब्रशेस जो है वो बहुत सॉफ्ट थे, मार्केट में अवेलेबल था, सो मैंने लोकल मार्केट से ये लिया है। सो इस ब्रश से जो है मेरी जो बेसिकली जो है जो हाइलाइटिंग है नोज़ पे वो बहुत अच्छी होती है, ब्राउबोन पे बहुत अच्छी होती है। सो मैं ये ब्रश यूज़ कर सकती हूँ। इस तरीके के फ़ैन ब्रशेज आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा और बहुत सारे आप ऐसे ब्रशेज होते हैं जिनके ब्रशेज जो है वो सॉफ्ट होते हैं, जस्ट लाइक दिस, ये जो है इसका ब्रिसल बहुत सॉफ्ट है। सो इस तरीके की ब्रिसल्स आप नोज़ कॉन्टोर के लिए यूज़ कर सकते हैं। ऑलराइट, सो अभी जो है मैं ये लगाने जा रही हूँ। इस तरीके से मैंने ये लिया है एंड नोज़ पर मैं इस तरीके से लगाऊंगी। सो बेसिकली आप देख सकते हैं मैंने फिंगर से भी अप्लाई किया है एंड मैंने ब्रश से भी अप्लाई किया है एंड हेयर इट इज लुक लाइक ब्यूटिफुल नोज एब्सोल्युटली। अभी इस वक्त जो है नोज पे सिर्फ मेकअप किया है मैंने, बाकी पूरे फेस पर नहीं किया है। मे बी इसलिए आपको शायद यहाँ ज़्यादा लग रहा हो ये हाइलाइटर, लेकिन जब आप पूरे फेस का मेकअप करेंगे सो ये ओके हो जाएगा, लाइक बिल्कुल परफेक्ट लगेगा। और आप देख सकते हैं ये ब्यूटीफुल नोज़ है और मैंने अभी आप लोगों के सामने कंप्लीट जो है मेकअप करके दिखाया है नोज़ का। बेसिकली नोज़ पर से मैं आपको एक और क्लोजअप दिखा देती हूँ बहुत करीब से। ये देखिए, दिस इज़ द क्लोजअप जो आप देख रहे हैं नोज़ पर से। बिल्कुल भी आपका फाउंडेशन कहीं नहीं जाएगा, बिल्कुल सही रहेगा। अगर आप देखेंगे पास से आपको बिल्कुल ये नेचुरल लग रहा होगा। ये देखिए, और आपका जो बेस है वो बिल्कुल नहीं हटेगा अगर आप इस तरीके से जो है अपना जो बेस है वो अप्लाई करेंगे और अपना मेकअप करेंगे। सो आई होप आज की इस वीडियो से आपको बहुत हेल्प मिलेगी अपना मेकअप करने में, स्पेशली टी जोन पर। और होप आप लोगों को आज की ये वीडियो भी पसंद आई हो। वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ 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 लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।